राहुल गांधी की जन न्याय पदयात्रा में पूर्व प्रधानमंत्री के प्रपौत्र समेत कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल, भाजपाइयों के उड़े होश। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते दिनों सुबह दक्षिण मुंबई में महात्मा गांधी के आवास मणि भवन से जन न्याय पदयात्रा निकाली। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी और अभिनेत्री स्वारा भास्कर समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। यह मार्च अगस्त क्रांति मैदान तक निकाला गया, जहां 1942 में अंग्रेजों के शासन से भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। विपक्षी इंडिया गठबंधन के कई सदस्य भी इस पद यात्रा में शामिल हुए। अभिनेत्री स्वारा भास्कर ने कहा, जिस हिंदुस्तान में हम पले बढ़े हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, हमें विभाजित करने का प्रयास हो रहा है। आज सत्ता में एक खास तरह की राजनीति है, जो नफरत की राजनीति है। हमारे भगवानों का नाम लेकर नफरत फैलाई जा रही है। मैं एक हिंदू होने के नाते यह समझती हूँ कि अगर आप भगवान का नाम लेकर कत्ल कर रहे हैं, तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। दरअसल शनिवार को कांग्रेस सांसद ने मध्य मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक चैत्य भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके और संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपने 63 दिवसीय भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन किया। यह यात्रा 14 जनवरी को संघर्षग्रस्त मणिपुर से शुरू हुई थी। विपक्षी इंडिया गठबंधन द्वारा रविवार शाम को यहाँ एक जनसभा आयोजित की गयी, जिसमे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राष्ट्रीय जनता दल RJD नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया।